मैं हूँ योशु। मायापुरी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने बीट कर दिया है दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ को। वेल बता दें कि इन दिनों बॉलीवुड एक्टर्स काफी ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं अपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल्स पर। वहीं आलिया भट्ट के कई सारे फॉलोअर्स हैं, काफी मैसिव नंबर ऑफ फॉलोअर्स इंजॉय करती हैं आलिया भट्ट। रिसेंटली आलिया भट्ट ने 70 मिलियन फॉलोअर्स का मार्क क्रॉस किया अपने इंस्टाग्राम पर और इसी के साथ ही उन्होंने बीट कर दिया है बड़ी एक्ट्रेसेस को, जैसे कि दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ को। उन्होंने पीछे छोड़ दिया है इन सारे बड़े बड़े एक्ट्रेसेस को। आलिया भट्ट इन दिनों सुर्खियां बटोर रही हैं अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर। वेल बॉलीवुड में एक बार फिर वेडिंग सीजन सामने आ रहा है। काफी टाइम से बॉलीवुड कपल रिचा चड्ढा और अली फजल की वेडिंग की बात चल रही थी। वहीं अब ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों का जो वेडिंग रिसेप्शन है वो साउथ मुंबई के एक ग्रैंड होटल में रखा जाएगा, जहां कई सारे नामचीन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बुलाया जाएगा। वेल वेडिंग सीजन इसलिए है क्योंकि इसके अलावा केएल राहुल और आतिया शेट्टी की भी बात चल रही है शादी की। और सोर्सेस की माने तो ऐसा कहा जा रहा था कि दोनों की जो शादी है वो दिसंबर एंड या फिर जनवरी में रखा जाएगा। अगर हम रिचा और अली की बात करें तो वो काफी टाइम से, काफी सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब उन्होंने शादी की प्लानिंग कर ली है। रिसेंटली बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म कठपुतली रिलीज हुई OTT प्लेटफॉर्म पर। बता दें कि अक्षय कुमार की पिछले एक दो फिल्में इतना खास नहीं कर रही थी बॉक्स ऑफिस पर, जिसके बाद उनकी तीसरी ये जो फिल्म है कठपुतली वो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। वेल, उन दोनों फिल्मों के मुकाबले इस फिल्म को काफ़ी सारे प्रेजेज मिल रहे हैं। अक्षय कुमार को हम अर्जुन सेठी के रोल में देख सकते हैं इस फिल्म में और इसी रोल के लिए अक्षय कुमार को रिसीव हो रहे हैं ह्यूज प्रेजेस और अप्रिसिएशन अपने परफॉर्मेंसेस के लिए। वेल, बता दें कि इस फिल्म में वो सुपर चार्मिंग लग रहे हैं और अक्षय कुमार पुलिस ऑफिसर के रोल में तो एकदम खिलाड़ी लगते हैं। करण जौहर का चैट शो कॉफी विद करण हर हफ्ते आता है और जो भी सेलिब्रिटीज इस शो में आते हैं उनकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है या फिर वो लाइमलाइट में आ जाते हैं। वेल, हर हफ्ते दो सेलिब्रिटीज नजर आते हैं करण जौहर के कॉफी काउच में, जहां वो फायरी सवालों का जवाब देते हैं। इस हफ्ते हमें नजर आएंगे फोन भूत के स्टार्स, यानी कि हमें नजर आने वाले हैं कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी। इस सीजन ऐसा पहली बार होगा कि तीन स्टार्स एक साथ आएंगे। वेल, तीनों ने काफी कुछ स्पिल किया है यहाँ पर। स्पेशली ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी ने अपने लव लाइफ के बारे में बात की है। सिद्धांत चतुर्वेदी ने कहा है कि वो इतने ज्यादा सिंगल हैं कि उन्होंने ईशान खट्टर को भी सिंगल कर दिया है। उर्फी जावेद का फूटा मीडिया के ऊपर गुस्सा। बता दें कि रिसेंटली उर्फी जावेद एक इवेंट पर नजर आई थी जहां पर वो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आई और उन्होंने मीडिया पर लैश आउट किया। वो काफ़ी गुस्से में ये कहती हुई नज़र आए कि अगर आज के बाद किसी ने भी मेरे कपड़ों पर कमेंट किया तो मैं नहीं आऊँगी आपके सामने। मैं आप सबको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सब भी मेरे को रिस्पेक्ट करें और मेरे कपड़ों के बारे में कुछ ना कहें। वहीं उन्होंने कहा कि झलक दिखलाजा के इवेंट पर किसी ने उनसे कहा था कि आज ढंग के कपड़े पहनकर आई है और वहीं इसी बात पर वो चिढ़ गई थी कि सब उनके कपड़ों पर क्यों कॉमेंट करते रहते हैं। पेरेंट्स टू बी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहे हैं अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र को प्रमोट करने के लिए। वेल, बता दें कि दोनों की ये पहली फिल्म है साथ में और दोनों ही प्रमोशंस में काफ़ी बिजी हैं। दोनों को रिसेंटली एक प्रमोशनल इवेंट में स्पॉट किया गया जहाँ पर दोनों को एथनिक आउटफिट्स में देखा गया, जहां आलिया भट्ट ने एक ग्रीन एमरल कलर का अनारकली सूट पहना था और जूड़ा बना रखा था। काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी आलिया भट्ट इस आउटफिट में। वहीं दूसरी तरफ रणबीर कपूर ने 3-पीस आउटफिट पहना था जो कि बड़े एस्थेटिक वाइब्स दे रहा था। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन पहुंची ट्रेलर लॉन्च में मनी रत्नम की फिल्म पोनियन सेल्वन के लिए। वेल, बता दें कि यहाँ पर उनको स्नैप किया गया नेहरू इंडोर स्टेडियम में, वो भी चेन्नई में, ऑल ब्लैक ट्रेडिशनल लुक में नजर आई। वहीं यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट पर रिसेंटली उनको स्पॉट किया गया था चेन्नई के लिए।
रवाना होते हुए। ऐश्वर्या राय ने यहाँ पर ऑल ब्लैक लुक ऑप्ट किया, ब्लैक जैकेट पेयर्ड विद ब्लैक पैंट्स और शूज के साथ। वहीं इस इवेंट पर वो नजर आई काफी खूबसूरत लुक में। ऐश्वर्या राय हमेशा से ही दर्शकों को इम्प्रेस करती हुई नजर आती हैं और एक बार फिर उन्होंने अपने इस ट्रेडिशनल लुक से सबका दिल जीत लिया। एक्टर शाहिद कपूर और उनकी वाइफ मीरा राजपूत ने अपने बेटे जैन कपूर का फोर्थ बर्थडे सेलिब्रेट किया। वेल बताया दे कि इनसाइड वीडियो शेयर हुई है बर्थडे सेलिब्रेशन से, जो इंटरनेट पर सरफेस होती हुई नजर आ रही है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो बर्थडे बॉय है वो अपना कार थीम्ड केक काट रहा है और उनके पेरेंट्स और उनके सिस्टर भी उनका साथ दे रहे हैं। मीरा राजपूत ने वीडियो में फ्लोरल कलर का आउटफिट पहना है और वो जैन और मिशा को केक काटने में मदद करती हुई नजर आ रही है। वेल, ये वीडियो देखकर फैंस काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए हैं शाहिद कपूर और उनकी क्यूट सी फैमिली को देखकर। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने रिसेंटली शेयर किए कुछ बंच ऑफ फोटोज लंदन से। इन फोटोज में हम देख सकते हैं कि उनके पेरेंट्स भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली ने भी इन फोटोज को देखकर रिएक्ट किया कमेंट सेक्शन पर। इन पिक्चर्स को शेयर करते हुए अनुष्का शर्मा ने लिखा, ब्रेकफास्ट डेट विद द पेरेंट्स। एक फोटो में हम देख सकते हैं अनुष्का शर्मा अपने पेरेंट्स के साथ स्माइल करती हुई नजर आ रही हैं और वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट करती हुई नजर आ रही हैं, जो इंक्लूड करता है सॉर्डो और क्रिसॉन्स कॉफी के साथ साथ। यहाँ पर विराट कोहली ने कमेंट सेक्शन पर हार्ट इमोजी ड्रॉप किया। एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने शेयर किए कुछ न्यू पिक्चर्स और वीडियो अपनी बड़ी बेटी रेने सेन के 23rd बर्थडे पार्टी से। इस पार्टी को कई सारे क्लोज फ्रेंड्स और लव्ड वंस ने अटेंड किया, साथ ही साथ एक्टर और मॉडल रोमन शॉल ने भी अटेंड किया इस पार्टी को। इसके पिक्चर्स और वीडियोस सामने आ रहे हैं और हम देख सकते हैं कि एक वीडियो भी शेयर की है जहां पर सुष्मिता और रेने जो है वो बैठे हुए हैं टेबल पर और चैट करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों का मदर डॉटर जो बॉन्ड है वो इंटरनेट पर सरफेस होता हुआ नजर आ रहा है और वाकई में सुष्मिता सेन की बेटी काफी ज्यादा अच्छी और स्टनिंग लग रही है। आज के लिए इतना ही। लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज और हॉट गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करें मायापुरी कार्ट।